तो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल के अंदर। एंड गाइज, आज मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ, 9 बजने वाले ऑलमोस्ट, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग करके मैं रात को ही डालता हूँ और वीडियो एडिट करते करते 2:30 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये बंदा देखो सुबह सुबह आराम से लेटा हुआ है और मुझसे कह रहा है कि मुझे कुछ खाना है, क्योंकि गाइज आज हमारा प्लान है जयपुर जाने का और अभी हम 2-3 घंटे बाद में जयपुर निकलेंगे। ये बोल रही है अब जयपुर जा रहे हैं तो मेरा कुछ घर में बनाने का तो मन है नहीं, कुछ रास्ते में खा लेंगे। क्या चाहिए आपको? भूख लगी है, खाना दो। क्या खाना चाहिए? कुछ स्नैक्स वगैरह। मतलब सुबह सुबह 9 बजे तेरे को मैं क्या ला के दूं? अपने घर के अंदर ये बिकानो उपहार का डब्बा रखा है, इसको दे दूं इसमें से कुछ निकाल के? तो गाइज मैं नहीं चाहता कि जिम जाने से पहले मैं अपनी डाइट मिस करूं। तो गाइज सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने उबाल लिया यहाँ पे ओट्स। गाइज अपना वर्कआउट तो छोड़ेंगे नहीं, अभी जिम चलेंगे। अभी जैसे आगे पता है क्या है कि मेरी जयपुर की ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सोनू की प्रेगनेंसी पास में आ रही है तो मेरे दिल्ली जयपुर के बहुत सारे चक्कर लगने वाले हैं, इसलिए मेरा जिम बहुत इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि भाई कभी दिल्ली में रहूंगा कभी जयपुर में रहूंगा, वर्कआउट कैसे कर पाऊंगा? तो इसीलिए अभी मैंने एक नया जिम ज्वाइन किया है। मतलब जिम मेरा पुराने वाला भी है और नया भी मैंने जिम ज्वाइन किया है, एनी टाइम फिटनेस। एनी टाइम फिटनेस का भाई फायदा ही है, आप ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किसी भी एनी टाइम फिटनेस के अंदर जाके जिम कर सकते हैं। तो जयपुर में भाई मेरे घर से सबसे पास WTP के पास मालवीय नगर है, वहाँ पे एनी टाइम फिटनेस है तो वहाँ पे वर्कआउट करेंगे अपना। सैटेलाइट शंकर ठीक है, मैं जिम होके आ रहा हूँ। तो गाइस अभी अपन चलते हैं जिम में, इसको लग रही है भूख तो जब जयपुर के लिए निकलेंगे इसको कुछ खिलाते पिलाते हुए निकलेंगे। कि आपको अपनी बॉडी की करंट अपडेट दे दूं, करंट अपडेट कुछ ऐसी है बॉडी की, पहले से मैंने काफी साइज गेन कर लिया है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स भी काफी बड़ा लग रहा होगा। तो गाइस काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई आपका बाइसेप्स कितने इंच का है, तो भाई ऑलमोस्ट 18 के पास पहुंचने वाला है। पहले गेनिंग करी थी तो मेरा बाइसेप्स 19 इंच तक गया हुआ है, तो मुझे 19 इंच पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अभी मैं गेनिंग नहीं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ जिससे मेरा बाइसेप्स मस्कुलर भी लगे और थोड़ा हार्ड लुक दिखे। गाइस अभी मेरा करंट बॉडी वेट है 92 kg, गेनिंग करूंगा तो मेरा 103, 104, 105, 106 तक पहुंचेगा। 100 kg तक तो मेरी बॉडी ज्यादा फैट होल्ड नहीं करेगी, लेकिन 100 kg से ऊपर जाती फिर थोड़ा थोड़ा फैट होल्ड करने लग जाती है। तो गाइज फाइनली वर्कआउट वगैरह करके आ चुके हैं और हमारी गाड़ी के अंदर पूरी पैकिंग हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं जयपुर। हमने कुछ घर का ज्यादा व्लॉग शूट किया नहीं, मैंने कि चलो ठीक है अब आपको दिल्ली के बहुत व्लॉग दिखा लिए और सीधा से मिलेंगे जयपुर में। तो गाइज अभी हम निकल ही रहे थे तो सोनम को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि आजकल इसको भूख नहीं लगती, इसके अंदर जो है उसको भूख लगती है। तो अभी सब छोटे बेबी तो छोटे बेबी को भूख लगी इसलिए हमने जूस पिलाया, अब हम इसको नहीं खिलाते छोटे बेबी को खिलाते हैं। सामने से हमने पैक करवा लिए कुलचे। तो गाइस जब भी हम सोचते हैं ना यार टाइम से निकले जयपुर टाइम से निकले, हम हमेशा लेट हो जाते हैं। हमने सोचा था हम 11 बजे तक निकलेंगे लेकिन अभी 3 बज रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम रात को 8 बजे जाके पहुंचेंगे। चलो कोई नहीं, करना भी क्या है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। सो गाइस अभी तो रामलीला भी नहीं हो रही, पता नहीं ये लोग कहां जा रहे हैं। स्वैग देख रहे हो गाइस इनका। सो गाइज हम अभी जयपुर पहुंचे हैं। यशु हाय बोलो सबको, हाय हाय। तो देखो यशु कितना क्यूट लग रहा है हमारा बच्चा। हम ट्रेवलिंग करते करते हमारे को आज 5-6 घंटे हो गए, आज हम बहुत थक गए हैं और आज मैंने सोनम की वजह से बहुत धीरे ड्राइव करी, तो भी 8:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा है। चलो अंदर, हमारा तब से वेट कर रही थी कि वो आएगी पता नहीं कब आएगी। आज गाइज भाई दूज है तो मुझे अभी तलक करना है, बिकॉज मैं अभी लेट आके पहुंची हूँ। गाइज दिल्ली से जयपुर आने में ट्रेवलिंग और पेट्रोल के खर्चों का कुछ हिस्सा मैं ब्रोवो से मैनेज कर लेता हूँ, तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि ब्रोवो को कैसे यूज करना है। रियल अकाउंट में 83,000 रुपए आप डिपॉजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसेट्स को सिलेक्ट करना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग ग्राफ्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे माउंटेन लाइन कैंडल बार। इस ग्राफ को देखकर आपको प्रेडिक्ट करना है ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ 14,000 रुपए अपर और ट्रेड कम्प्लीट होने का वेट करूंगा। मैंने कर लिए 25,000 रुपए। अगर आपको ट्रेड से लेट कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ इनका सपोर्ट का फंक्शन है जहाँ आपको चैट कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है, इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। तो गाइस अगर आप भी मेरे तरह ट्रेड करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, अगर आप मेरे लिंक से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में 1,000 डॉलर मिल जाएगी जहाँ से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, और एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो मम्मी जी बिल्कुल राजस्थानी गेटअप के अंदर, जो हमारा मीना ट्रेडिशनल कल्चर का जो गेटअप है उसके अंदर, और ये देखो ये है पारंपरिक हार। बताओ ये गाँव में चलता है, इसको बोलते हैं सीतारानी। सीतारानी 8 तोले की है। ये आपको किसने दिया था? ये
मेरे ससुर ने तो मतलब जो खाना नहीं चलता है ना दादा के दादा के दादा देते। शादी में लिया था, पहले घंटे चलते थे, वो घंटे मध्य होते ना। अच्छा अच्छा, और इस बार तो आप सुंदर भी लग रहे हो, मोटे भी हो गए पहले से। तो हम इसमें क्या क्या लेकर आए हैं, इसमें रसगुल्ले हैं, इसमें नमकीन है, इसमें बहुत सारी चीजें, प्लेट लेकर आओ जाओ। इस हमारे घर के अंदर देखो 8:30 बजे भाई दूज मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हम आने में थोड़ा सा लेट हो गए। यहाँ देखो भाभी ने नए कलर की लुगड़ी पहनी है, और अभी अभी ये नया नया कलर चल रहा है, तो मैंने आते ही बोल दिया था इनको, मैंने कि ये तो आपने नया कलर पहना है, इसको क्या बोलते हैं, पिंक कलर है ना, पीच कलर, पीच कलर है, तो पीच कलर की लुगड़ी चल रही है और ये बहुत ही सुंदर लगती है आजकल। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, तिलक करेंगे, उसके बाद बताओ, नहीं यशु आप बताओ, फिर उसके बाद हाँ ठीक है ये खिलाएंगे। इस लुगड़ी में तो आप है ना बिल्कुल मतलब तैयार होती है ना, तो और भी सुंदर लगती है सुबह पे। तैयार हो गई सुबह, मैं कब उतर रही हूं। हां तो अब सुबह सुबह बिल्कुल अच्छे से रेडी होना जब दिखाऊंगा आप। खाने के लिए दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एक यशु का, एक यशु के भैया का, एक यशु के एक और भैया का। कितना लंबा तिलक करेगी? बहुत लंबा तिलक करूंगी मैं। लुगड़ी ऊपर रखे, ऊपर छोटा ही करियो, ज्यादा लंबा मत करियो। मैं नहीं डर रही, बस बोलो तो सही, सुमड़ी आवे सुबह 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 बोलो। सुमड़ी बता दी, क्या होता, क्या होता है सुमड़ी? सुमड़ी मतलब क्या होता है? जो बोलता नहीं है वो, जो बोलता नहीं उसको हाँ, मतलब अभी तो थोड़ी सुस्त है ना, आज ट्रैवलिंग करके आई हो ना। नहीं मैंने इसका पूरी चाशनी छोड़ दी, अभी मैं पूरा गोलगप्पा खिलाऊंगी। ऐसे आपको वेट गेन करना है, आप मीठा ज्यादा खाया करो। ऐसे नहीं कहना चाहिए, कितना खा सकते हो इतना खाएंगे। सुबह आपके लिए ना एक डब्बा लेकर आएंगे पूरा। यशु मम्मा को पूरा खिला दिया मैंने। यशु कितने सारे पटाखे लिए, यशु हम तो इतने परेशान हुए यार, हमारे को दिल्ली में पटाखे नहीं मिले, आप कितने सारे पटाखे, कौन दिला के लाया आपको? पापा इसको जलाए, इनको रखो, इनको अपन कल जलाएंगे, ठीक है? हाँ। इसमें सीटी भी बजती है और ये गोल गोल घूमता है। माचिस देना एक बार, हम अनार जलाते हैं, आ जाओ ऊपर। क्या बोलते हैं यीशु? पॉपकॉर्न। तो गाइस देखो छत कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, देखो लाइटें लाइटें, और अभी भी लग रहा है जैसे कि दिवाली का टाइम है, देखो चारों तरफ लाइटें लाइटें दिखाई दे रही है। जो ऐसे मत छोड़ा करो, इसमें भूत आ जाएगा। नहीं ये फट गई। फट गई? ऐसे फटी है जो फोम लगा दिया? नहीं मेरे पैर तो धीरे ना तो फाड़ देती इसको। क्या बोल रही है? मैंने इसको रख दिया था, मैं फाड़ देती इसको। अच्छा छोटी थी जब फाड़ देती इसको। चलो आज करते हैं ये, जलाऊंगी ये। अरे क्या है ये? अच्छा एक और मार है ये चक्री पागल हो गई है, दो दो बार बजा रही है ना। इस चक्री का नाम मैड चक्री होना चाहिए, ये चक्री यशु की फेवरेट है। मम्मी भाग गई दूर। अगली बार के लिए पटाखे लेके चलेंगे यहाँ से। इस है ना हमारे लिए तो देखो कितने सारे ओकेशन हो गए, देखो पहले हमने दिवाली मनाई, उसके बाद हमने मनाया गोवर्धन, लेकिन गोवर्धन वाली वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए वो हाइड हो गई है। अब हम बना रहे हैं भाई दूज, हमारे पास पटाखे बहुत है, हम कल भी फोड़ेंगे। कितना बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है इधर से उधर तक। मजा है? मजा है। तो गाइस यहाँ पे है आलू बैंगन की सब्जी रोटी, और ये है देसी घी का चूरमा, जैसे चूरमा दाल बाटी होता है ना उसी तरीके से चूरमा है, और खाने में भाई बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइस आने के बाद हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत ही मजा आया, तो अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं, एंड आगे का व्लॉग या तो आपको मॉर्निंग को देखने का मिलेगा, या फिर थोड़ा बहुत शूट कर सका तो मैं आपको अभी भी दिखा दूंगा। अपना खाना खा लेते हैं पहले। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूं, मम्मी है ना यशु को तैयार कर रही है डांस करने के लिए। यशु आप डांस करोगे? किस पे डांस करोगे बताओ? पानी 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 पे, पानी पानी पे डांस करोगे? अच्छा सा करना, ठीक है यशु? तो मम्मी अभी रेडी कर रही है यशु को पूरी तरह पिन विन लगा के। यशु घाघरा कहाँ है बेटा आपका? घाघरा नहीं ये तो नहीं, घाघरा सुबह के टाइम, अभी तो रात हो गई, अब सोएंगे। यशु आपके लिए गाना लगाती हूँ मैं, कौन सा लगाऊं यशु बताओ? पानी पानी। यशु कोई दूसरा गाना है क्या? हाँ बताओ कौन सा दूसरा गाना? दूसरा गाना है वो जो बोलता है ना,
जो ऐसे डांस जी करती है, ऐसे लुंगी को ऐसे करके वो बारा। अभी मैं पूरी तैयार हो गई। देखा आपने तो बहुत ही सुंदर डांस किया था आपने। आपको वीडियो में दिखाऊंगी कैसा अच्छा डांस किया। आप पहले मुझे बताना आपने पहले मुझे देखा है नहीं देखा। आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। गाइस यशु है ना अभी अपनी हिमाचल वाले फोन से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रखा है इसने। ये कह रही है आपका वीडियो कब आएगा। क्या कह रहे थे यशु? आप बताओ, आप पहले बताओ मेरा वीडियो कब आएगा बताओ। कल आएगा वीडियो। वीडियो नहीं बोलते उसको, वीडियो बोलते हैं। हाँ ठीक है, वीडियो बोलते हैं तो वीडियो तो कल आएगा। इस यहाँ पे देखो कितने सारे गन्ने लेकर आए, और ये गन्ने गांव वाले गन्ने हैं। और लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा होगा पिछले साल जहाँ से हम गन्ने लेकर आए थे ये गन्ने भी वहीं से लेकर आए। तो अभी सोनम को खाने गन्ने। यशु देखो कितने सारे गन्ने ले आए हम आपके लिए। अरे यशु को कितना सुंदर बना दिया। कितनी सुंदर लग रही है यशु। यशु आप तो बहुत सुंदर हो गए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। यशु गुड मॉर्निंग बोलो सबको। तो गाइस देखो यशु गुड मॉर्निंग बोल रही है और ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह सुबह मेरे साथ यशु कर रही है। अभी सब लोग देखो पीछे गन्ने खाने के लिए तैयार हो गए। हाय गुड मॉर्निंग। तुमको लेके भी नहीं चलेंगे, कपड़े भी नहीं लाएंगे। सो आई होप गाइज आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। और जैसा कि भाई मैं आपको बता दूं कल हम दिल्ली से निकले थे और फिर रात को थोड़ा थक गए थे, और जो बाकी का पेंडिंग व्लॉग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले मुझे रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, सोनम को सोनम चिकू के नाम से। दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।